नमस्कार, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, आपका कौन बनेगा फौजी सीजन वन एपिसोड सिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उद्मैन ही सिद्यंती कार्याणी न मनोरथे, न ही सुप्त से सिंह से प्रवेशंती मुखे मृगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो रोजाना हमारी 7:30 बजे ये सीरीज स्टार्ट होती है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ हमारा यहाँ पर शुरुआत होती है, जिसके अंदर आज का 6वां हमारा एपिसोड है। और इसके अंदर आपका, जैसे कि मैंने बताया है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको यहाँ पर मिलेगा पीवाईक्यूज का रोजाना का एक डोज, जिसके अंदर आप खेल खेल के अंदर आपके क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। तो जीके का क्वेश्चन पेपर है और 2021 के अंदर आया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के अंदर। ओके, कमेंट्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं। करमवीर सिंह, जय हिंद, जय हिंद। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं वो अपने आप में खास हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कैप्टन राजेश चौहान। जय हिंद साहब, वेलकम सर, प्लीज इधर आ जाइए, सब नजदीक आ जाइए। तो राजेश साहब हैं जो कि आर्मी से सेवानिवृत्त है, 32 साल की नौकरी करके आए हुए हैं, और यहां पर आज हमारे पास एज ए स्पेशल गेस्ट और साथ ही हमारे कौन बनेगा फौजी के पार्टिसिपेटर हैं, जिसके अंदर आज ये स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए हैं। और जैसे कि मैं इन्हें बता दूं कि हमारा सर ये यहाँ पर 10 क्वेश्चन का पेपर चलता है, टेस्ट चलता है, इसके अंदर ये एक कौन बनेगा करोड़पति देखा आपने, हाँ उसकी तर्ज पे है, वो बड़ा बजट का है, ये हमारा थोड़ा लो बजट का है, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर क्या है, आपको हमारा मकसद ये है कि खेल खेल के अंदर यहाँ पर सीखने को मिलेगा, साथ ही जिनके अंदर ज्ञान होगा उन्हें हम मौका देते हैं कुछ प्राइज जीतने का। तो आपको भी मौका मिलेगा, आपको दिखा दूं मैं, ये प्राइज मनी है जो कि आज की प्राइज मनी है, ये देख सकते हैं। तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज आपको मिलेगा सर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपसे वापस भी ले लिया जाएगा, आपको वापस देना पड़ेगा 100 रुपीज। अगर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं जीत, आप सही बता पाए, गलत जवाब दिया आपने, तो आपको यहाँ 1000 रुपये जमा करा के जाना पड़ जाएगा। तो तैयार है आप? ओके। और दूसरा, साथ ही आपको 2 लाइफलाइन मिलेगी सर, यहाँ पे आपको 2 लाइफलाइन मिलेगी, जिसके अंदर एक लाइफलाइन में अगर आपको 2 लाइफलाइन मिलेगी, जिसके अंदर एक लाइफलाइन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आपके पास मौका रहेगा, आप फोन कॉल पे, आप अपने घर पे फोन कर सकते हो, दोस्त को कर सकते हो, किसी को भी फोन करके पूछ सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या है, वो बता सकते हो। तो पहली लाइफलाइन, दूसरी लाइफलाइन होगी 50-50, यानी 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन में से कोई सा भी एक चूज करके बता सकते हो, 2 में से, यानी 4 है उनमें से 2 बता सकते हो कि भाई ये दोनों में से कोई सा होगा, ठीक है, तो भी आपको प्राइज मनी मिलेगी। तो शुरू करें सर, बिल्कुल। ओके, सबसे पहले तो सर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर हमारे इस कौन बनेगा फौजी के सेट पे, कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला, साथ ही आप इस रैंक पे होते हुए भी आप यहाँ आए हैं और हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं। अब आपके ज्ञान का यहाँ पर टेस्ट होगा और देखते हैं कि आपने 32 साल आर्मी में नौकरी की है तो क्या आपका, कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि फौजियों में दिमाग नहीं होता, नहीं। तो आज पता चलेगा कि फौजियों में कितना दिमाग होता है। तो ये टेस्ट आपके सामने है और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर कि आप यहाँ पधारे। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया। कौन कहता फौजियों में दिमाग नहीं होता, आज देखेंगे। फौजियों में ही तो दिमाग होता है, जो सरहद पर खड़ा रहता है दिमाग वाला ही खड़ा रहता है सर। तो आज साबित कर देना है कि फौजियों में कितना दिमाग है। ओके, तो हमारा आज का पहला सवाल, सबसे पहले तो मैं कमेंट पढ़ लूं, ये इंडियन आर्मी 356, जय हिंद, राहुल योगी जय हिंद, देवेंद्र राठौड़ जय हिंद।
तो अभी शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ, ताजमहल आगरा शहर में खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, बताइए साहब कौन सी नदी के किनारे पर ताजमहल, आपकी बटालियन आगरा में रही भी है, रहे हुए हो आप, तो बताइए सर कि कौन सी नदी के किनारे ताजमहल या आगरा शहर बसा हुआ है, बताइए सर। पता है सर, हाँ मैं बताऊं, मैं खुद आगरा में था और हम ये लीजिए सर, ये मैं आगरा में पोस्टेड था, क्लासिक राज होटल के पास में रहता था, यस, और हम जाते थे आउट पास बोलते थे पहले, बोल भाई आउट पास जाना है, वो भी संडे को 3 घंटे के लिए, 11 बजे जाओगे और वापस कितने बजे तक, 1 बजे तक आ जाना भाई, मग ठीक है सर, बाकी दोपहर का लंच करते, तो मेरे को तो पता है कहाँ जाते थे हम, ताजमहल घूमने, और वो कहाँ पर है, ताजमहल के अंदर ही चले जाते, ताजमहल में जाते घूमने, कोई ना रोक टोक नहीं थी, बढ़िया था हमारा माहौल, अच्छा था उस समय, आज का तो मैं काफी साल हो गए गए हुए, तो मैं बताऊँ कहाँ पर था और कौन सी जगह है ये ताजमहल, किस नदी के किनारे पर है, मेरे को अच्छी तरीके से पता है, बताऊँ कौन सी नदी है, आप यहीं से बता दो, मुझे बता दो, दूर से रखो हाथ, यमुना नदी, कंफर्म एक बार फिर, बिल्कुल, देखो साहब यहाँ पर आपके ज्ञान का टेस्ट हो रहा है और आप यहाँ पर पूरे फौजियों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंफर्म 100 रुपए का सवाल है साहब, 100 रुपए देने पड़ जाएंगे साहब, अच्छा कंफर्म श्योर, लॉक कर दिया जाए, तो यमुना नदी, ओके कंप्यूटर जी ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिया है 100 रुपए, तो ये आपके हुए सर, पहले तो ये 100 रुपए, ये लीजिए सर आपके 100 रुपए, और पहला सवाल आपने सही बताया, तो आपने फौजियों की इज्जत रख ली साहब। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पे है, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्थापत्य कला के स्वर्ण युग कहा जाता है। सब जैसे लाल किला और जामा मस्जिद, क्या ये भी देखी थी क्या आपने वहाँ? हाँ जामा मस्जिद गया था, बिल्कुल, क्या कहाँ है क्या? वो भी फर्स्ट क्लास जगह है, वहाँ पर हम आउट पास वहाँ पर भी जाते थे, वहाँ पर जाते थे भाई, हम तो नई नई चीज देखने जाते थे और यंग थे जिस समय, कोई परवाह थी नहीं, पैसे रहते ही थे करकरे पैसे, फौजी के पास तो भाई करकरारे पैसे होते थे, जेब भरी रहती, और अब तो ATM आता है, पहले आती थी जेब पेमेंट, श्रीमान इतने पैसे फलाने फलाने टाइम पर, हम जाकर के रिपोर्ट देकर जब में डेम डालते हैं और घूमते थे और भाई, आज तो होटल में खाना खाना ही है। ओके तो सर अपना पहला सवाल सही है सर, ठीक बताया आपने, और अभी चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, यस सर, तो सेकंड सवाल आपका स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौता, रेल यातायात को फिर से शुरू करने के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सेवाओं से संबंधित समझौता, बताइए साहब। सर मेरी तरफ से तो ये फर्स्ट सही होना चाहिए, आप थोड़ा दूर रहिए सर, मेरा दिल करता सर ने मेरे को फौजी दोबारा सीट कॉल करने के लिए बोल दिया, आप अभी भी ऐसे लग रहे हो जैसे अभी भर्ती होने के लिए, बोल बोलो मेरे को 1600 मीटर के लिए छोड़ दो, मैं तड़प रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ सर, सही बोला आपने, अभी दोबारा से भर्ती होने लग रहा है कि पास मुझे छोड़ दो, बिल्कुल सर, 1600 मीटर, तो आपका जवाब है ए ऑप्शन, कंफर्म श्योर सर, 100 रुपए का सवाल है, देख लीजिए, बिल्कुल सर, एक बार फिर सोच लीजिए, कंफर्म है, हाँ ये सही है, कंफर्म है, बिल्कुल, ओके, तो सर का सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, कंप्यूटर जी ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, ओके ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, एकदम सही जवाब, क्या बात है साहब, क्या बात है, भारत और पाकिस्तान
के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने 8 अप्रैल 1950 में दिल्ली में अल्पसंख्यक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। बिल्कुल सही जवाब दिया साहब, और आपने जीता है फिर 100 रुपीज। ये 100 रुपीज आपके वजह से। सर आप तो यहाँ पैसे जीतने आयो। जीत के जाना साहब, जीतेंगे। बिल्कुल साहब बिल्कुल। तो अभी इससे पहले मैं कुछ कमेंट्स आए हुए हैं उनको भी पढ़ लेता हूँ। राहुल गुजर, जय हिंद जय हिंद। ऑप्शन ए बताया है इन्होंने। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सवाल है आपकी स्क्रीन पर। ओके, यहां देख सकते हैं एन एरा एप ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, चेतन भगत, अरुण जेटली, मीरा नायर, बताइए साहब। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, चेतन भगत, अरुण जेटली, मीरा नायर। ये थोड़ा सा रुको सर, बताऊंगा सोचने दो। लाइफलाइन भी है सर आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा पुराना दिमाग है ना, आएगा दोबारा से आएगा, रिमाइंड होगा। पटेल रामपुर। हाँ ये सर मेरा आइडिया तो एक पर बता रहा है, ए पर। एक बार फिर सोच लो सर। बिल्कुल यही, आपके पास दो लाइफलाइन है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। नहीं अभी जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत नहीं है, कंफर्म है, श्योर है, देख लेना साहब। 100 रुपए का सवाल है। फुल कॉन्फिडेंस। ओके फुल कॉन्फिडेंस, क्या बात है। ओके कंप्यूटर जी एक को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब। क्या बात है साहब, क्या बात है। तो आपको सबसे पहले तो पैसे दे देते हैं। अरे सर कोई नहीं, ये 100 रुपीज हुए सर आपके। ओके, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को 2019 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। स्क्रीन पर है आपका अगला सवाल। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां से हुई थी? टेबल टेनिस एक स्पोर्ट्स है, गेम है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? चीन, इंग्लैंड, जापान, भारत, बताइए सर। तब तक मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। राम रितेश, जय जगन्नाथ। देखो ये चीन में भी नहीं। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ भाई। इंग्लैंड, जापान, भारत। सर मेरी तरफ से इंग्लैंड होना चाहिए सर। इंग्लैंड? यस सर। एक बार फिर सोच लो साहब। सर इंग्लैंड। कंफर्म? पक्का। श्योर? पक्का। देख लो ये इंग्लैंड वाले हम पे 200 साल राज करके गए थे, कहीं आपको डुबो दे, देख लेना। ना ना ना। हैं? कंफर्म है? ना। श्योर? श्योर। लॉक कर दिया जाए। ओके तो कैप्टन साहब का जवाब है ऑप्शन बी। तो कंप्यूटर जी बी को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब। क्या बात है साहब, क्या बात है। आपका 100 रुपीज हो गया तैयार। ये 100 रुपीज आपका। थैंक यू साहब। ओके, और टेबल टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई थी। ITTF की स्थापना 1926 में हुई थी। प्रथम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिसंबर 1926 में लंदन में आयोजित की गई थी। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पोंग है। ओके तो इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चले हम। यस सर। और अभी हम कूच कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अभी मैंने कूच का नाम लिया, जैसे आपकी भाषा के अंदर कूच कर गए, कुछ तो कुछ तो बटालियन कुछ कर रही है। तो अभी हम नेक्स्ट सवाल की तरफ कूच कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बताइए सर। ये तो सहारा बजरंगबली के नाम से ही होगा।
बजरंग बली, रामदेव जी, नहीं नहीं नहीं, इनके भी नाम ले ले, ले लीजिए साहब। देखो मैं तो भगवान श्री हनुमान जी का भगत हूँ, तो मेरा तो नहीं नाम ले लो फिर। बालाजी के नाम से ना, देखो अटलांटिक नहीं है, हिंद महासागर भी नहीं है, आर्कटिक महासागर भी नहीं है, प्रशांत महासागर है ना, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। लाइफलाइन लेनी है आपको? जरूरत नहीं है, अच्छा हनुमान जी का ले लिया था, लाइफलाइन की क्या जरूरत है, वो खुद ही लाइफलाइन है। क्या बात है साहब, पक्का कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए? 100 रुपए का सवाल है साहब, ओके, तो कंप्यूटर जी डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, डी ऑप्शन सही जवाब था। प्रशांत महासागर में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है, टोरेंस जल डमरू मध्य जल संधि न्यू गिन्नी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। प्रशांत महासागर के उत्तर में बेरिंग जल डमरू है, बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया महादेश तथा उत्तरी अमेरिका महादेश को अलग करता है। प्रशांत महासागर में अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी आदि स्थित है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चले हम, आपको 100 रुपए नहीं दिए, नहीं दिए, ओके, थोड़ा क्या है हमारी आदत है 150 लेने की, नहीं, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को खालिस्तान नामक एक निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया, 2020 में, 24 में नहीं, 2020 में। बताइए सर कौन सी है इनमें से, डुलिंगो, इंग्लिश प्रो, हेलो टॉक, बिलिंग ग्रुप। बताइए साहब, ओके, नेचर बर्ड टीए जोन 4 की भर्ती कब आएगी? जब आएगी आपको वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं आप लोगों को, ओके। बताइए, इंग्लिश प्रो, कंफर्म, श्योर, चलाई आपने? बिल्कुल। क्या बात है, फौज में थे क्या उस टाइम फौज में थे, ओके, तो देख लेते हैं, कंफर्म है, श्योर, लॉक कर दिया जाए, ओके, कंप्यूटर जी बी को लॉक कर दिया जाए, और ये बी एकदम सही जवाब। क्या बात है साहब, सही कहा आपने, आपने ये चलाई है, ओके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को इंग्लिश प्रो नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया, और इसी के साथ आपका 100 रुपए, आपने जीत चुके हो ये 100 रुपए, आपके हुए सर 100 रुपए। और सर 2020 में आप कौन सी जगह पर थे उस टाइम, 2020 में कहाँ थे आप? मैं सेंटर में था, पोस्टेड सेंटर में था। क्या ड्यूटी कर रहे थे आप? इंस्ट्रक्टर था मैं, इंस्ट्रक्टर, जेएसयू इंस्ट्रक्टर, रिक्रूटों को तैयार कर रहे थे, रिक्रूटमेंट। तो वहाँ की कोई खास कुछ ऐसी बात बताइए जो आपको सर वो कौन बच्चों को मोटिवेट के लिए दी है, कॉन्फिडेंशियल होती है वैसे रिपोर्टें, बाकी मेहनत है ना, जो करता है वही आगे बढ़ता है, मेहनत चाहे किसी भी फील्ड में हो। कैसे वहाँ का जो रूटीन था वो क्या होता था, कितने बजे उठाते थे? सुबह 4 बजे का, 4 बजे सुबह, और रात को सोने को कितने बजे मिलता था? तकरीबन 9 बज जाते थे, रोल कॉल के बाद 9 बजे हम लाइट ऑफ कर। नहीं नहीं नहीं, वो झूठी अफवाहें, सोने जब नहीं देते जब ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में कभी कभी क्या नाइट परेड होगी, उनकी अलग से एक्स्ट्रा कोई वीक स्टूडेंट से उनकी अलग से कुछ क्लासेज चल, उनको एक्स्ट्रा परेड करते, उनको अलग से ले जाते थे, एक्स्ट्रा टाइम देते थे, जैसे खाना खा लिया उसके बाद रेस्ट के बाद वर्किंग के बाद 4 बजे उनको ले जाते पीटी ग्राउंड में, और फिर वहाँ पर उनको अलग से करवाया जाता था मेहनत, अलग से देते थे, अलग से उनको थोड़ा अलग से, क्योंकि उनको अलग अगले वीक टाइम मिलता था, नेक्स्ट फायरिंग का जो पीरियड होता था ना उनमें दिया जाता था, बाकी ऐसे नहीं कि हर एक समय फायरिंग नहीं करवाया जाता। एक टाइम में कितने
रिक्रूटों को देखो संख्या अलग अलग होती है, अब हर कोर्स के साथ अलग अलग है, जिस किसी कोर्स में 200 बच्चे होते हैं, किसी में 250 होते हैं, तो कोर्स वाइज ही चलता था। और एक टाइम में 5 कोर्स चलते थे लगातार, तकरीबन 1000-1500 से ऊपर ही नफरी होती थी, और एक बार तो हमारे पास 2200 भी थे। हाँ, 2200 रिक्रूट्स थे, तो दिखते तो आती थी। फिर जैकलाई के भी आए थे हमारे पास, उनको भी अलग से ट्रेंड किया था, डोगरा सेंटर से भी हमारे पास आए थे। नहीं, अग्निवीर बाद में आए हैं। अच्छा, आप जब रिटायर हो गए उसके बाद? ना, रिटायरमेंट से पहले ही आ गए थे। अच्छा, आपके टाइम में आ गए थे। तो उनका क्या कैसे सिस्टम? उनका देखो, ये सिस्टम तो अच्छा बनाया मोदी जी ने, इसमें तो मोदी जी जो बुराई करता है वो खुद गलत है, क्योंकि हमारे यंगस्टर है ना वो तैयार होते हैं। इसमें सबसे बढ़िया है, जितने भी यंगस्टर तैयार होंगे उतना ही हमारा देश सशक्त होगा, उतने ही हमारे जो भाई हैं सबको रोजगार भी मिलेगा, और आने के बाद जो ट्रेंड सोल्जर हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रखी है, जैसे ही वहाँ से आएगा तो उसके लिए मतलब जो वहाँ रह जाएगा उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाले को है। देखो 50% आने वाले को तो ज़्यादा है ही है, दिख रहा है कि केंद्र सरकार में भी राज्य सरकार में भी उनको अलग से कोटा है, क्यों कि उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। राजस्थान पुलिस वाला है, राजस्थान का है तो राजस्थान पुलिस का देखेगा, CRPF में जाएगा, BSF में जाएगा, दिल्ली पुलिस में जाएगा, बहुत ऑप्शन है। और साथ ही जैसे कि JBT किया हुआ लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है तो JBT कंपटीशन, और भी बहुत ऑप्शन है उनके लिए, और अच्छा सक्सेस होने के बहुत चांस है। और पढ़ा लिखा लड़का है ना वो 4 जगह भी 10 जगह भी सक्सेस होता है। मेरे गांव के एक लड़का है, CRPF में भर्ती हुआ, CSM में भर्ती हुआ, वहाँ से छोड़ करके वहाँ से बार बार क्यों ऑप्शन मिल रहा है अगले, फिर दिल्ली पुलिस के अंदर भी आज वो इंस्पेक्टर के पद पर अभी आया है, वो डायरेक्ट है। बहुत कि ये अगर एक एज ए सोल्जर वहाँ ज्वाइनिंग करके आ रहे हैं और 4 साल बाद आकर के ये एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। ओके, तो हमारा आज का ये सवाल 6वां सवाल, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ, 7वां नंबर सवाल पे। और आज का 7वां सवाल है अपने स्क्रीन पर, अल्फा कण के दी आवेशित आयान होते हैं बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये साइंस का सवाल है सर, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है क्या? देखो साइंस तो खैर मैंने कम पढ़ी है, लेकिन फिर भी ये अल्फा बीटा गामा ये तो पढ़ा ही हुआ है। अच्छा। ये तो मैंने पढ़ाई है, तो क्यों ना, क्योंकि सही है अल्फा बीटा गामा ये व्यूज होती, ये तो खैर जब तक ये शुरू से ही सुनते आ रहे थे हीरो से, फौज में बिल्कुल फौज में तो एक्चुअल होता है ये चीजें भाई, फौज में तो एक्चुअल इसका रोल है सर, क्यों कि जो बम ब्लास्ट होता है तो उसकी किरणें कितनी छर्रे है ना वो कितनी हाइट पकड़ करके ब्लास्ट करेंगे, ये पता है कि भाई जो किरण है वो इसी तरीके चलती, बिल्कुल भाई किस बिल्कुल किस मास का हम कब प्रयोग करें। अच्छा सर, कई जने ऐसे सोचते हैं कि यार 10वीं पास कर ली फौज में भर्ती हुआ अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो फौज में क्या पढ़ाई वढ़ाई होती है कि नहीं? फौज में तो बहुत पढ़ाई होती है। अच्छा, तो जो ये सोच के जा रहा है अभी पढ़ाई में लिखाई से अपना कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं जाना चाहिए मतलब? नहीं, पढ़ना लिखना तो फौज में बिना, अरे फौज में तो वो जाएगा जिसमें दिमाग होगा, जिसमें दिमाग ही नहीं हो फौज में थोड़ी लेंगे, जिस बच्चे में दिमाग, फौजियों में दिमाग नहीं होता वो बकवास करते हैं, उनका सिलेक्शन ही होता ना वो करते हैं भाई, अंगूर तो खट्टे हैं वो लोमड़ी वाली बात नहीं, फौज में तो वो जाता है, फौज में जाएगा जिसके दिमाग होगा जो स्ट्रांग होगा, मेंटली और फिजिकली फिट होगा, फिट होगा वही जाएगा। और फिजिकल फिट होता है फौजी आदमी, और मेंटली भी फिट होता है, क्योंकि कोई भी कठिनाई होती है उसको मेडिकल तो होता ही है, एक इंच भी कहीं कमी है शरीर के अंदर तो नहीं लिया जाता, तो आर्मी का तो है, तो अल्फा बीटा गामा है किरण का नाम, तो उसमें से पक्का सर बेरिलियम भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। हाँ सर, हीलियम है, ऑप्शन सी, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है सर, क्लिक कर गया क्या दिमाग में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सर। ओके, तो आपका जवाब सी ऑप्शन है, कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। देखना सर, अब तक सही होते आए हैं, कहीं एक के चक्कर में मारे जाओ 100 रुपए देने पड़ जाएंगे? नहीं, ये तो कंफर्म है। अच्छा, ओके, तो सी ऑप्शन
कैप्टन साहब का जवाब है सी ऑप्शन, तो कंप्यूटर जी सी को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, क्या बात है साहब, क्या बात है। अल्फा कण हीलियम के द्वि आवेशित आयन होते हैं। हीलियम वायु के अलावा प्राकृतिक गैस में भी 2% तक पाई जाती है। हीलियम ठोस विलयन के रूप में यूरेनियम तथा थोरियम के रेडियोधर्मी अयस्कों में भी पाई जाती है। हीलियम ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सूर्य का 75% भाग हाइड्रोजन व 25% भाग हीलियम से निर्मित है। तो हमारा आज का 7वां सवाल भी आपने सही बताया है, और ये लीजिए सर आपके 100 रुपीज। थैंक यू सर। और इसी के साथ हमारा आज का नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर देखिए सर। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई। गरीबी रेखा यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, इतनी कमाई से नीचे वाले गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, जो इस पैसे को कमाते हैं वो गरीब नहीं है, मतलब तो कितने पैसे कमाते हैं वो गरीब नहीं है, आप बताइए सर। प्रति माह ८१६, ७५२, ६८७ और ११००। आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कहीं दिन की तो नहीं है, दिन की नहीं है सर, ये हमारे सरकार के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार ये मानती है कि इतने पैसे अगर आप कमा रहे हो तो गरीब नहीं हो आप। अब बताइए सर, इतने तो बच्चा पॉकेट में नहीं ले जाता है, नहीं तो बताइए सर। देखो अंदाजा तो हमारी सरकार जिस समय थी गलती था, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अंदाजा से उन्होंने जो अंदाजा लगाया होगा, जो बुद्धिजीवी होंगे, तो मेरा हिसाब से एक नंबर सही होना चाहिए। एक नंबर। सर तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग बैठ करके ये सारा तैयार करते हैं, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट तैयार होती है और फिर निकालते हैं कि पर डे के 32 कुछ रुपए करके है, कि इतने रुपए अगर कोई कमाता है तो वो गरीब नहीं है। एक दिन 32 रुपए में तो ब्रेकफास्ट नहीं आएगा, नहीं। फिर उन्होंने कौन सा आंकड़े निकाले, ये हमारे समझ से बाहर है। ओके, आपका ऑप्शन है 816, राइट? हनुमान जी पे छोड़ देते हैं, यही होना चाहिए। कंफर्म? कंफर्म। श्योर? आपने हनुमान जी का व्रत किया क्या आज? बिल्कुल। भाई साहब तभी आपके अंदर ही आ गए हनुमान जी। ऑप्शन ए कंफर्म? बिल्कुल। श्योर? लॉक कर दिया जाए? ओके, तो 816 ए ऑप्शन एकदम सही जवाब, क्या बात है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 816 ग्रामीण एरिया के अंदर 816 रुपए जो महीने के कमाते हैं वो गरीब नहीं है, 816 से नीचे कमाने वाले गरीब हैं। तो आप देख सकते हो ये अमीर हैं, 816 से ऊपर कमाने वाले अमीर हैं। तो 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा 816 प्रतिमा की गई थी। तेंदुलकर समिति, जैसे मैंने बताया था, तेंदुलकर समिति 2011-12 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी का निर्धारण किया गया था। तेंदुलकर के अनुसार शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा शहरी के अंदर यानी शहर में 1000 रुपए जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है भाई साहब। प्रतिमा रंगराजन समिति, यानी तेंदुलकर समिति थी, दूसरी थी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ने शहरी क्षेत्र में 47 रुपए और ग्रामीण में 32 रुपए, शहर में जो 47 रुपए कमाता है और ग्रामीण में 32 रुपए प्रतिदिन आय अर्जन करने वाले बीपीएल माना जाएगा, यानी इससे नीचे वाले ही माने जाएंगे। तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र में 33 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपए से कम प्रतिदिन आय अर्जन करने वाले को बीपीएल, यानी बीपीएल के अंदर मिलता है ना, बीपीएल कार्ड बनता है, हाँ कार्ड मिलता है वो, ये जो ये कमाई है पहले फर्जी कार्ड बना करके करते थे, अभी बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस आधार पर उनके बीपीएल अगर कार्ड बनाए जाएंगे तो इस आधार पर बनाए जाएंगे। तो ये था हमारा, और इसके आपके ये 100 रुपीज आपके हुए सर। सर आप तो पूरे लेके जाओगे, हमने तो सोचा था कि आपकी जेब से निकलवा लेंगे आज। नहीं, दिमाग नहीं होता। कौन बोलता है, जीत रहा हूं ना और जीत के जाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल हमारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारतीय आठ हो गए, तो अभी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है? आर्टिकल अनुच्छेद, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, हमारे संविधान से क्वेश्चन लिया गया है। तो
कोऑपरेटिव सोसाइटियां कौन से संबंधित है? 31B, 43B, 43A, 31A, 31B, 43B, 43A, 31A, बताइए सर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इतना अच्छा है। आपके पास लाइफलाइन भी है सर? हाँ, लाइफलाइन है, लेकिन अंदाजा लगाता हूँ, दिखा, क्योंकि अभी फिर बजरंग बली को फोन लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जब बजरंग बली को फोन लगा रहे थे, किसी के फोन की क्या जरूरत है, वो ही है सर्वश्रेष्ठ। चलो ठीक है, बी को लॉक करो, बी लॉक करो। 43B, बी ऑप्शन कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। 100 रुपए का सवाल है साहब, कोई बात नहीं, 500 का ओके। तो कंप्यूटर जी, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। ओके, और इसी के साथ एकदम सही जवाब। क्या बात है साहब, आपका तो बजरंग बली साथ दे रहे हैं। भारतीय संविधान 43B अनुच्छेद सहकारी समितियां के समर्थन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रम की भागीदारी से संबंधित है। भारतीय संविधान को नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इसी के साथ आपने फिर 100 रुपीज जीत लिए हैं साहब, ये 100 रुपीज आपके। और इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए साहब। नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक, भारतीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के जनक, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, बताइए साहब। आपके पास लाइफलाइन है तो, अभी तक आपने लाइफलाइन यूज नहीं की है। दो हजार बीस में दिवंगत फकीर चंद कोहली को, भारतीय सिविल सेवा के जनक नहीं है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के जनक नहीं है, भारतीय प्रागैतिहासिक शासिक काल के जनक, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक। एक नंबर लॉक करो। एक नंबर, यस, कंफर्म, कंफर्म, श्योर, श्योर, लॉक कर दिया जाए। भाई सापा पकड़ी लिया भाई। ओके, तो इसी के साथ ए ऑप्शन कंफर्म है साहब। देखो यहाँ पर है ना, जो विनर होता है उसको साफा वगैरह पहनाते हैं, कहीं रह जाओ उससे। कंफर्म, श्योर, नहीं एक हार भी जाऊंगा तो नौ में नहीं होगा साहब, नौ में विनर नहीं होगे। ना ना ना, यहाँ तो 100% चाहिए साहब, तभी फौजी बढ़ता है यहाँ। खोजी आदमी खुद सेल्फ कंटेन है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, अपने दम पे लड़ाई लड़ता है ना। और हम सब क्या है, फौजी, और मैं फौजी ऑलरेडी हूँ, और आगे इन मेरे खून में भी फौजी है, मेरा बाप भी फौजी, मैं भी फौजी, मेरा दादा फौजी, और मेरी आने वाली जनरेशन भी फौजी, ठीक है, और मेरे दोस्त भी फौजी, और मेरे साथी भी फौजी, वेरी गुड। तो मैं क्या है, कौन बनेगा, फौजी, तो आज मैं फौजी और मैं बनूंगा फौजी। फौजी आप और अब दोबारा बनने आ गए, दोबारा फौजी बन गया मैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है। चलो एक बार फिर सोचते हैं, एक नंबर को लॉक करो साहब आप, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक बोलो। कंफर्म, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल। ओके कंप्यूटर जी, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिए आज की पूरी प्राइज मनी। ये आपके पूरे हुए साहब, गिन लो, 1000 रुपए हो गए हैं। और इसी के साथ आपका स्कोर आप देख सकते हैं साहब, स्कोर 10 out of 10। और आज आप बन गए हो फौजी। कैसा लग रहा है साहब आपको, प्राइज मनी जीती है और 10 में से 10 नंबर आपने प्राप्त किए हैं।
देखो मेरे को तो खुशी इतनी हो रही है कि मैं खुद फौजी होते दोबारा फिर फौजी बन गया, आज दोबारा फिर फौजी बन गया। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा, जिन्होंने 32 साल सर्विस करके आए हैं और साथ ही आज फिर यहाँ पर आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और यहाँ इन्होंने कौन बनेगा फौजी का जो ये सीजन बहुत शानदार फर्स्ट का एपिसोड 6 विनर है। तो एक बार जोरदार तालियां साथ के लिए, थैंक यू माला लेकर आओ। लो साहब ये एक बार कैप उतार दीजिए साहब, और ला भाई, और ये हमारी तरफ से कौन बनेगा फौजी की पगड़ी, और ये संपत का बुलाओ फोटो के लिए फौजी, और आप भी बनो फौजी, मैं भी फौजी आप भी फौजी, कोई बचना नहीं चाहिए, हर आदमी को क्या है फौज में आने का मौका मिलना चाहिए। इधर थोड़ा नजदीक आ जाओ साहब, हाँ ये बस, हर आदमी फौजी बनना चाहिए, जैसे मैं फौजी रह के आया हूँ अभी फिर फौजी, और ये सब फौजी बनने चाहिए। आईडीए क्लासेस जयपुर के अंदर जो भी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, सबके सब बनेंगे फौजी, बनने जा रहे हैं फौजी, ठीक है। आईडीए है जहाँ सफलता है वहां, क्या बात, ईस्ट इन द वेस्ट, आईडीए क्लासेस इज द बेस्ट, वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू सो मच राठौड़ साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने कीमती समय दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ओके साहब, बहुत बढ़िया। तो देखा दोस्तों आपने सीजन फर्स्ट का एपिसोड 6 जो कि यहाँ पर कौन बनेगा फौजी का आज अवार्ड लिया है हमारे कैप्टन साहब ने, और अगर आप भी ये पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। साथ ही मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट है, जिसमें एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, साथ ही हमारे यहाँ एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएससी जीडी आर्मी अग्निवीर सभी के बैचेज स्टार्ट हैं। अगर आप भी चाहते हो, अगर है आप में जिद जो जुनून कुछ कर गुजरने का, चाहते हो अपने सपनों को पंख लगाने का, अगर है आप में जिद तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके तुरंत चलाएं। मिलते हैं कल इसी समय इसी दिन, तब तक के लिए